दोस्तों, कभी कभी मैं ये विचारता हूँ कि जो हमारे टाइम पे प्यार था, मतलब 90s वाला प्यार, जैसे मैं 94 बॉर्न हूँ, तो वो टाइम का प्यार मतलब एक अलग ही प्यार था। मतलब वो शिद्दत वाला था, हाँ, जिसका बोल सके कि सच्चा प्यार था। लेकिन आज का जनरेशन देखो, मतलब ऐसा ऐसा देखने मिलता है कि कभी हमने देखा ही नहीं हो। ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलते हैं जैसे रोज कपड़े बदलते हो। अभी रिसेंट का ही मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। मैं ऐसे ही बिल्डिंग में उतरा, तो मैं बिल्डिंग में, एक लड़की होगी, स्कूल वाली लग रही होगी, कुछ 12 13 या 14 साल की, बेचारी बहुत उदास थी। इतनी उदास थी कि हम, मैं जाने खाली पूछूँ कि शू थी बेन, कहीं नाराजगी छे, कहीं तकलीफ छे? तो बोलती है कि यू नो, आई जस्ट हैड अ ब्रेकअप एंड आई एम सो मच स्ट्रेस्ड राइट नाउ, लाइक इट इज़ अ ब्रेकअप एंड ऑल्सो वी आर ऑन ब्रेक। ओके, मतलब ये सुन के पहले तो मैं शॉक में रह गया कि 12 साल 13 साल में ब्रेकअप। हमारे टाइम पे तो ब्रेकअप का शब्द भी नहीं मालूम था, और ऊपर से दूसरा शब्द ये कि वी आर ऑन ब्रेक, मतलब होता क्या है? आपको पता है, कभी कभी सुना है वी आर ऑन ब्रेक? और साथ साथ में ऐसे ऐसे नवे नया नया शब्द वापरे जैसे पिकमी। कुछ नहीं ना, मुझे भी, मैं भी ऐसा ही था, नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। इसलिए अगर आपको इसका अगर मतलब पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आ रहा है, तो थोड़ा बहुत फॉलो भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।